तो चलिए दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ जी अपने शहर से दूर 60-70 किलोमीटर पंजाब की दिल की धड़कन लुधियाना शहर में। तो जिस रेस्टोरेंट में आज मैं आया हूँ उसका नाम है द जलंधर वेजिटेरियन। इस रेस्टोरेंट की खास बात ये है कि यहाँ पे लोग दीवाने हैं जी फूड के। तांता लगा रहता है लोगों का फूड के लिए कि कब हमारी बारी आएगी, हम अंदर जाएंगे। तो आज मैं यहाँ पे टेस्ट करने आया हूँ लुधियाना का बहुत ही फेमस बुफे जो कि वेज है। बुफे का जो प्राइस है वो है 180। तो आइए चलिए मेरे साथ रेस्टोरेंट के अंदर, देखते हैं कि फूड कैसा है और यहाँ पे लोग कितने दीवाने हैं वो भी चेक करते हैं। चलिए, तो मैं आ चुका हूँ जी रेस्टोरेंट के अंदर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं रेस्टोरेंट में कितने दीवाने हैं लोग इस फूड के। तो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ इस फूड में क्या क्या खास रहने वाला है। 180 का वेज बुफे है और 180 में ये क्या क्या सर्व कर रहे हैं वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और शुरुआत जो है पिज्जे से होती है, बच्चों के लिए तो बहुत ही मौज रहने वाली जी। अनलिमिटेड पिज्ज़ा 180 में लेंगे और पिज्ज़ा जो मिलेगा आपको बड़ा ही शानदार और लाजवाब रहने वाला है। तो जी चलिए चेक करते हैं कि इनकी पहली जो डिश है वो क्या है। ये देखिए भाई साहब, सबसे पहले आगे जी इनके मंचूरियन, ये देखिए भाई साहब क्या हट्टे कट्टे मंचूरियन है। और जो ग्रेवी है काफ़ी अच्छी बढ़िया और थिक है और कलर बहुत ही शानदार है। और आगे जो है जी वो है जी सोया चाम, और अरोमा चेक कीजिए सोया चाम का, वाह। और सोया चाम के पीसेस देखिए, वाह क्या बड़े बड़े पीसेस हैं ये। उसके बाद आ गया जी सबकी पसंद, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, जो कि है नूडल्स। तो नूडल्स देखने में बहुत शानदार है, टेस्ट में कैसे होंगे ये हम चेक करेंगे। उसके बाद आ गया जी वाह फ्राइड राइस। फ्राइड राइस में आप चेक कीजिए, इन्होंने स्वीट कॉर्न भी डाला हुआ है और बहुत ही देखने में चमकदार लग रहे हैं और शानदार होने वाले हैं खाने में। और ये देखिए भाई साहब जीरा राइस, और जीरा राइस का क्या कहना, और खिले खिले चावल और बीच में जीरा मारा हुआ है, और क्या बात है, खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। और फिर आगे जी दही बल्ले, वाह क्या बात है, ये तो होती है सबकी पसंद, तो ये ज़रूर हम टेस्ट करेंगे दही बल्ले। ये देखिए जी बल्ले का साइज़ देखिए कितना बढ़िया है, वाह। चलिए जी आगे आगे जी बल्ले के ऊपर डालने वाली सॉस, फिर आगे जी पंजाबियों की पहली पसंद कढ़ी। और कढ़ी देखिए वाह क्या कलर है कढ़ी का। ग्रेवी चेक कीजिए, ना बहुत ही थिक है जी ना बहुत ज़्यादा पतली है, वाह बहुत ही बढ़िया। तो ये आगे जी राजमा, तो आगे आगे जी दाल फ्राई, भाई साहब ये देखिए ये तो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे। फिर आगे जी तड़का दाल जो होती है येलो दाल, वाह वाह क्या बात है। ये आ गया जी पालक कोन, वाह पालक कोन चेक कीजिए जी, ज़बरदस्त क्या रोमा और क्या ही इसका कलर आ रहा है, वाह बहुत ही बढ़िया। ये आगे जी चना मसाला, वाह देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही करारे भी लग रहे हैं, और खाने में कैसे हैं ये हम चेक करेंगे। तो ये आगे जी मिक्स वेज, और मिक्स वेज के साथ मिलेगा आपको ये आ गई पनीर वाली सब्जी। ये चेक कीजिए पनीर बर्बर के डाला हुआ है भाई साहब, बर्बर की वाह क्या पनीर डाला हुआ है, वाह। तो भाई साहब इधर आ गया जी सैलड जो आपके प्लेट को कर देगी हरा भरा। तो भाई साहब ये है 180 का बुफे जिसमें 18 से 20 तरह की आपको फूड आइटम मिलेंगी और साथ में 4-5 तरह की चपाती मिलेगी जो कि आपको टेबल पे सर्व की जाएगी। तो चलिए आपको मैंने फूड तो दिखा दिया, अब आगे टेस्ट की बारी। तो जल्दी से हम भी करते हैं प्लेटिंग और फूड टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है। तो ऑनलाइन आप जोमेटो पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, 180 रुपीज़ की पैक थाली है और उसमें सब्जी जो रहने वाली वो चार। मंचूरियन आ गया जी, साथ में आपको दिखाया था चाप है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, नूडल्स को भी मैं स्किप कर रहा हूँ, और ये फ्राइड राइस को भी स्किप कर रहा हूँ। मैं ज़ीरा राइस ज़रूर ट्राई करूँगा जी थोड़े से। चलिए थोड़े से हम ज़ीरा राइस डाल लिए, और ये देखिए भाई साहब दही बल्ला, इसका तो टेस्ट करना तो बनता ही है भाई साहब। थोड़ी सी हमने सॉस डाल दी, वाह क्या बात है। तो चलिए जी आगे जी यहाँ पे कढ़ी, तो कढ़ी का हम ज़रूर टेस्ट करेंगे भाई साहब। अगर राइस लिए तो कढ़ी ज़रूर लेंगे हम, और राजमा आगे जी, तो राजमा को भी हम यहाँ पे डालेंगे। चलिए थोड़े थोड़े, तो ये रही जी फ्राई दाल, इसको हम राइस के ऊपर ही हम डाल लेते थोड़ी सी। तो चलिए आगे करते हैं जी, देखते हैं क्या है जी आगे। आगे जी ये चना मसाले वाली सब्जी, चलिए इसको यहाँ डाल लेते हैं। तो भाई साहब ये हमारी प्लेट अभी के लिए कंप्लीट हो चुकी है, अगर ज़रूर पड़ेगी हम और ले लेंगे। तो सैलड भी आप लेना चाहें और पिकल भी जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए थोड़े से हम अनियन ले लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं टेबल पे। तो चलिए भाई साहब फूड आ गया हमारे टेबल पे, हम ले आए हैं, और रश आपको दिखाया, ज़बरदस्त रश है। तो द जलंधर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आए हम और लुधियाना शहर में। तो चलिए दाल हमने ली है जी फ्राई दाल, इससे ही हम स्टार्ट करेंगे। साथ में है राइस जो कि जीरे वाले, टेस्ट करते हैं जी। चावल का दाना ना प्रॉपर पका हुआ, और दाल फ्राई का जो टेस्ट आना चाहिए वही आ रहा है, तो वाकई फूड तो फ्रेश है जी। ये रही जी राजमा, इसको भी हम चेक करते हैं राइस के साथ। ओहो बढ़िया जी, कढ़ी पकोड़ा आ गया भाई साहब। कढ़ी पकोड़ा तो ऐसे ही टेस्ट करते हैं, खटास चेक करते हैं कितनी है।
वाह, तो चपाती भी आ गई जी। बटर नान, लच्छा बड़ा। आप ऐसा कीजिए, एक लच्छा परोठा दे दो। रखिए, थैंक यू जी। तो भाई साहब, चार पांच तरह की चपाती है जो आपको टेबल पर ही सर्व होगी। तो मैंने लच्छा परोठा ले लिया, तो इसको भी हम ट्राई करेंगे। ये चना मसाला चेक कर लें कि वाकई इसमें जो मसाले का जो फ्लेवर है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाम तो चना मसाला, मसाला थोड़ा सा कम लग रहा है, पर खाने में बहुत टेस्टी है। जो चाइनीज़ भी आपको आइटम यहाँ पे मिलेंगी, पर मैंने ट्राई नहीं की क्योंकि मैं सीधा ही मेन कोर्स आपको टेस्ट करके बता रहा हूँ। हाँ, मैंने पिज़्ज़ा स्लाइस जरूर लिया। ओह, लच्छा परौंठा के साथ राजमा की सब्जी, वाह जी वाह। ऊपर रखो जी एक प्याज, फिर करते टेस्ट। ओहो, एड्रेस मैं आपको बता दूँ, द जलंधर वेजिटेरियन, इसमी चौंक, मार्टन, लुधियाना शहर। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए जरूर होंगे, तो बताना आपका फीडबैक कैसा है, और जो लोग यहाँ पे आएंगे वो भी बताना आपको इसमें से क्या अच्छा लगा। मुझे दो तीन आइटम बहुत अच्छी लगी, तो आप भी अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट करके। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर भाई साहब कर दिया करो, देखते ज़रूर हैं पर सब्सक्राइब कम करते हैं, वो भी ज़रूर करो। तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लो, बहुत सारी वीडियो आने वाली है, लाइव से आने वाली है।